महिला बदल रही है, महिला के सवाल भी जो है उसके ऊपर चर्चा हो रही है। आज का दिन है, कल 2/8 को महिला जागतिक दिन है, जागतिक महिला दिन है, और उसके पूर्व संध्या में ये बहुत बड़ा कार्यक्रम मुंबई कांग्रेस महिला कांग्रेस ने रखा है, जिसके तहत महिला को सशक्त बनाना है, महिला को आगे बढ़ाना है और महिला को ताकतवर बनाने का काम हिंदुत्व ने करने का तय किया है। और कांग्रेस की महिला एक अच्छी महिला की हैसियत से आगे जाएगी और उसको सपोर्ट करना है हमारा काम है, इसलिए हम लोगों ने उसको सपोर्ट किया। नहीं, सवाल यह है कि ये जो कार्यक्रम है वो मुंबई महिला कांग्रेस का कार्यक्रम है, मैं मुंबई के कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, मेरा कर्तव्य ये होता है महिला कांग्रेस से जब कार्यक्रम करती है अजंता यादव जो महिला के अध्यक्ष है तो उसको साथ देना, सपोर्ट देना और उसका कार्यक्रम अच्छा कैसे हो इसके लिए मैं देखने को आया, तो सब पूरा कार्यक्रम का आयोजन अजंता यादव ने किया था, उसका सब ये महिला का ही कार्यक्रम है, महिला ने संगठित किया, इसमें खाली वो कार्यक्रम में हाजिर रहने को आया, लेकिन सब काम महिला का है और इसके लिए महिला को धन्यवाद देना चाहिए। चाय के बारे में उसके लिए तो सब लोग अपने अपने तरफ से अवेयरनेस क्या होना चाहिए वो बता रहे हैं, और जब अवेयरनेस होगा तो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में मुंबई में कोरोना वायरस नहीं आएगा, वो तो बाहर ही जाएगा या नहीं आ सकता है, जो तो हमारा देश ही इतना उष्णकटिबंध का देश है तो उसके कारण वो वायरस नहीं चलेगा ऐसा मेरा मानना है। मैं तो कोई डॉक्टर नहीं या तज्ञ नहीं, ये सवाल तो करने को डॉक्टरों करना चाहिए, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि महिला को संगठित करना, महिला को सशक्त करना और महिला की संरचना मजबूत करना, ये हमारा कर्तव्य होता है और वो अजंता यादव कर रही है, महिला कांग्रेस मुंबई कर रही, महिला कांग्रेस के सब कार्यकर्ता बदलने का काम कर रहे हैं, तो उसके पीछे रहना मेरा काम है अध्यक्ष के नाते और कांग्रेस के नाते, और मैं कर रहा हूँ। दूसरा सवाल ये है, ये सब काम करते थे हम सब कांग्रेस के एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और साथ देना हमारा फर्ज है।